आज अपन बात करेंगे एक्साइज 13.3 आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होती है, डायरेक्शन आती है। मान के चलो दो वेक्टर आपके पास में, एक है ए वेक्टर और एक आपके पास में बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो एन कैप है वो रिप्रेजेंट करता है आपके डायरेक्शन, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। तो और अगर अपने को ए क्रॉस बी सोल्व करना है रियलिटी में, तो अपन उसको सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। लाइक मान के चलो ए वेक्टर आपके पास में ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड आपके पास में जो बी वेक्टर है वो आपके पास में बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। सो जो ए क्रॉस बी है वो मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू करेंगे अपन आई कैप जे कैप के कैप, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू और बी थ्री। डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले अपन आई कैप की वैल्यू निकालेंगे, इसको पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। तो आई कैप लिया, आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम क्या कर दो, सप्रेस कर दो, क्या मिलेगा आपको ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री माइनस जे कैप। तो अब जे कैप वाली रो जे कैप वाला कॉलम क्या मिलेगा आपको, ए वन ए थ्री और बी वन बी थ्री। ऐसे ही के कैप के बारे में बात करेंगे तो के कैप वाली रो के कैप वाला कॉलम सप्रेस किया, ए वन ए टू बी वन बी टू। सोल्व करो डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, आई कैप कितना मिलेगा, ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री माइनस जे कैप, देखो क्या मिलेगा, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के कैप ए वन बी टू माइनस ए वन बी टू माइनस ए टू बी। ठीक है, यहां से अगर आपको साइन थीटा निकालने के लिए बोले तो आप सोल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। दूसरी एक बात याद रखनी है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है बी क्रॉस ए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के, और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है जिस तरीके से अपने को इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है ना, तो इसका एक्साइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा हुआ है। देखो भाई बुक में देखो, ए वेक्टर आपके पास में थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड जो बी वेक्टर है वो कितना दिया आपको, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। आपको बोला कि इसका क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्या पूछ रहा है आपसे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू वही डिटर्मिनेंट मेथड, आई कैप जे कैप और के कैप, वैल्यू रखेंगे थ्री वन माइनस वन, थ्री वन माइनस वन, टू थ्री एंड वन। सोल्व करेंगे आई कैप वाली लाइन को सप्रेस किया, तुम देखो कितना मिलेगा, वन वन माइनस माइनस प्लस वन थ्री माइनस जे कैप, जे कैप वाली कॉलम जे कैप वाली रो को सप्रेस किया, थ्री माइनस माइनस प्लस तो प्लस टू प्लस के कैप नाइन माइनस टू, कितना आंसर आ गया आपके पास में, फोर आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस सेवन के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको, फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोले तो आपको एन कैप निकालना है। ठीक है, और एन कैप कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में देखो ए वेक्टर कितना आपके पास में, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर कितना आपके पास में, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस
थ्री के है। अगर मैं यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करूं, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप वो कितना मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले अपने को ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी कितना आएगा आपके पास में, ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट मेथड से आई कैप जे कैप और के कैप 1 -2 1 2 1 and -3 2 1 and -3। अब अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले आई कैप और आई कैप को लेंगे, आई कैप वाली रो और कॉलम को क्या कर देंगे अपन सप्रेस, फिर जे कैप फिर के कैप, ठीक है। तो देखो कितना मिलेगा, आई कैप सप्रेस करो 6 -1 -j कैप सप्रेस करो -3 -2 प्लस के कैप 1 + 4। तो कितना आ गया आपके पास में, 5i कैप + 5j कैप + 5k कैप, ये आपको मिल गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो कितना मिलेगा आपको, √5² + 5² + 5² तो कितना हो गया 25 + 25 + 25, और इसको क्या लिख सकते अपन 75। तो ये हो गया आपके पास में 5√3। Hence n cap equals to √5 + 5j + 5k upon 5√3, और क्या लिख सकते हैं इसको, i + j + k upon √3। 5 कॉमन लेके काट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही ज्यादा अच्छा, इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि आपके पास में दो वेक्टर ए एंड बी हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है बी। तो आपको प्रूव करके बताना है कि प्रूव करो, टू प्रूव ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये अपने को क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। लेट ए क्रॉस बी दिया आपको, आपको क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है। तो अपन ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, सेम ए क्रॉस ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। क्या हो जाएगा आपके पास में, ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एन कैप का बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये बन गया आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपके पास में, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 1 - cos² थीटा, और ये क्या हो गया आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो पक्का नहीं है। तो अपन इसको देखो ए बी कोस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस
ए वेक्टर डॉट बी और ए वेक्टर डॉट, मैंने भी आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना बताया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अपन सोल्व करते हैं तो आपको यहाँ मिलता है क्रॉस, यहाँ पे बी आएगा, सॉरी यहाँ पे बी होगा, ऐसे सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, आपको क्या दिया होता, ए क्रॉस बी को प्रूव करके बताना था। तो अपन ने स्क्वायर करा, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, एन कैप इन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा इंटू ए बी कोस थीटा बनेगा, और ए बी कोस थीटा किसके बराबर होता है आपके, ए डॉट बी के बराबर होता है। वही प्रॉपर्टी यूज किया और सोल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन था, देखो फोर्थ क्वेश्चन, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए, ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस ए प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए आपके, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, सी से। क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ठीक है। एलएचएस साइड ले रहे हैं, मैंने आपको बताया सिंस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है माइनस बी क्रॉस ए के, तो बी क्रॉस ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ऐसे ही सी क्रॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, ऐसे ही सी क्रॉस बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए इंटू सी बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस, कट गया ही दो, आंसर किसके बराबर आ गया, जीरो के, जो कि आपका आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सबसे ये तो जो फोर्थ क्वेश्चन था ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा और इम्पोर्टेंट। देखो क्या दिया हुआ है, ए एंड बी दो आपके यूनिट वेक्टर हैं, और आपको दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो है और ए डॉट सी भी इक्वल्स टू कितना है, जीरो। बी और सी के बीच में एंगल है पाई बाय सिक्स, ठीक है ना। तो प्रूव करके बताओ कि ए वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस टू बी क्रॉस सी। देखो फिफ्थ, सिंस क्या दिया आपको, ए क्रॉस ए डॉट बी कितना आपके पास में, जीरो, मतलब ए और बी कैसे वेक्टर आपके परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर सी भी जीरो है, इस यहां से क्या होगा, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर। तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या प्रूव हो रहा है, हैंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के क्या है वो आपके पास में, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। अगर मैं बी और सी के परपेंडिकुलर लू, बी और सी के क्या लू, परपेंडिकुलर लू, तो ए वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। देखो कैसे, ये आपका बी वेक्टर है, इस पे क्या ए वेक्टर, ऐसे ही आपका सी वेक्टर है, इस पे क्या ए वेक्टर, दोनों पैरेलल है, सॉरी ए बी पे भी परपेंडिकुलर है और ए सी पे भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं बी और सी का क्या ले लूं, परपेंडिकुलर ले लूं, परपेंडिकुलर इधर ही आएगा तो ए के पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यही स्टेटमेंट यूज करनी है कि जो ए वेक्टर है वो पैरेलल होगा, ए वेक्टर इज पैरेलल ऑन, ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू द परपेंडिकुलर ऑफ बी, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर वेक्टर बी क्रॉस, b
बी क्रॉस सी क्यों क्या आएगा पैरेलल आएगा हैंस अपन क्या लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी क्रॉस सी लिख देंगे ठीक है अब बी क्रॉस सी को सोल्व करेंगे नाउ बी क्रॉस सी इक्वल्स टू कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा एन कैप साइन थीटा वैल्यू कितनी दी हुई है आपको पाई बाय सिक्स दिया हुआ है कितना हो गया बी क्रॉस सी साइन पाई बाय सिक्स एन कैप पाई साइन पाई बाय सिक्स की वैल्यू कितनी है तो एन बाय टू होती है तो यूनिट वेक्टर मान ले अपन क्या मान ले यूनिट वेक्टर बी और सी का मैग्नीट्यूड कितना ले ले वन तो बी क्रॉस सी कितना हो गया वन बाय टू एन कैप के बराबर इसके बराबर हो गया आपके पास में वन बाय टू एन कैप के बराबर हो गया अगर अपन यहाँ पे वैल्यू रख दें अपन यहाँ पे क्या रख दें वैल्यू रख दें तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा बाय टू एन कैप ये हो गया और आपको बोला है कि ए वेक्टर का क्या चाहिए आपको स्क्वायर चाहिए अपन इसका क्या कर दें दोनों साइड स्क्वायर कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड तो इसका स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन फोर और एन कैप इंटू एन कैप इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है आपके वन के बराबर है तो वन इक्वल टू कितना होगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन फोर तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा फोर लैम्डा इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस टू आप क्या करो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करो जैसे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस टू बी क्रॉस ये तो आपसे प्रूव करा रहा था ये तो प्रूव हो गया कुछ नहीं करना क्वेश्चन अच्छा है ठीक है अब सारे क्वेश्चन अच्छे आने वाले देखो क्या दिया हुआ था एक वेक्टर दिया हुआ था ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो मतलब ए परपेंडिकुलर है किसके बी के ऐसे ए डॉट सी दिया हुआ था ए परपेंडिकुलर किसके था सी के तो अपन ने क्या करा ए को पैरेलल कर दिया बी क्रॉस सी के तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया लैम्डा बी क्रॉस सी का वैल्यू निकाली यहाँ से आपको मिल गया बी क्रॉस सी इक्वल्स टू मिल गया वन बाय टू एन कैप ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया लैम्डा बाय टू एन कैप दोनों साइड स्क्वायर कर दिया ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर है ध्यान रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस टू और सोल्व कर लिया आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में ए क्रॉस बी निकालना है जब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दे मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दे और ए डॉट बी दे दे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्या क्या दिया आपको फाइंड क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड ए क्रॉस बी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन हो आपको कितना दिया हुआ है 10 मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 2 और ए डॉट बी किसके बराबर है 12 के देखो सेम ए डॉट बी किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा के बराबर होता है ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 12 मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना 10 इंटू 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 12 अपॉन 20 सोल्व करो इसको 6 अपॉन 10 और सोल्व करो 3 अपॉन 5 अब मैं अगर ए क्रॉस बी की बात करता हूँ तो वो कितना मिलेगा मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पता है मेरे को लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए अभी साइन थीटा चाहिए ठीक है साइन थीटा के लिए क्या करूंगा मैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लगाऊंगा सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है वन होता है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन फाइव स्क्वायर 25 माइनस 9 अपॉन 25 ठीक है ना तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 16 मिल गई है नेक्स्ट देखो सेवंथ क्वेश्चन एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट होना चाहिए मतलब पहले एन कैप निकालो दो वेक्टर दिए हैं और एन कैप को 9 से मल्टीप्लाई करो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हाँ पर अच्छा है देखो सेवंथ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दो वेक्टर है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप ए वेक्टर कितना आपके पास में 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर कितना आपके पास में माइनस 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। टू फाइंड क्या करना आपको, 9 एन कैप। तो सबसे पहले एन कैप कितना आता आपके पास में, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करें आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2। सोल्व करो उसको, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी मिली, आई कैप का जो चीज रखा आई कैप वाली रो और दो आपके पास में क्या है कॉलम है, उसको क्या कर दिया अपन ने, सप्रेस कर दिया। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2 माइनस 3 माइनस जे कैप। जे कैप वाली रो और कॉलम को सप्रेस किया तो कितना मिलेगा, -8 + 6 प्लस के कैप 4 - 2। ठीक है ना, तो आपको कितना मिल गया, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। कोई दिक्कत है, बोलो नहीं है। तो n कैप की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप मैग्नीट्यूड निकाले इसका अंडर रूट, माइनस 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना था, 4, 4, 8 and 9। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 9 root 9। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन कितना गया, 3। निकालना क्या है, 9n कैप निकालना है। हैंस डिजायर्ड वेक्टर विल बी 9 से मल्टीप्लाई कर दोस्तों, 9 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3, कट गए 3 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनटू सॉरी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है आपके पास में, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन अच्छे हैं। अच्छे का मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, आ सकते हैं, चांसेस हैं। तो आपको ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी करना है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। LHS ले ले सबसे पहले, a माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। तो सबसे पहले a वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, b वेक्टर को। a वेक्टर क्रॉस a प्लस बी माइनस b वेक्टर क्रॉस a प्लस बी। सोल्व करो, a क्रॉस a इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी आपके पास में, प्लस a क्रॉस b माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, 0। बी क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। पैरेलल जो वेक्टर होते हैं वो क्रॉस में कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो ये 0 हो गए, कितना मिल गया, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। और मैंने बताया था कि बी क्रॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस। तो कितना क्या, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। ये है तो आपसे आरएचएस में पूछ रहा है, ओके प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉरी इसमें आगे दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी बताना है। किससे बताना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से बताना है। एक पैरेललोग्राम ले लो भाई, ये ले लो एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आपका ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर और ये वेक्टर आपका बी वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर भी कितना हो जाएगा, b, और ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास में, a। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं डायगनल ac की बात करूं तो वो ऐसे, और डायगनल bd की बात करूं तो वो ऐसे, ठीक है। तो ac अगर मैं निकालूं, ad कितना है पास में, b है। अगर मैं ad निकालूं, देखो पहले तो लेट ab इक्वल्स टू कितना, a वेक्टर के बराबर, एंड ad इक्वल्स टू कितना आपके पास में, बी वेक्टर के बराबर।
तो मैं सबसे पहले किसके वैल्यू निकालू, ए सी निकालू, ए सी कितना मिलेगा मेरे को, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर मिलेगा। ऐसे अगर मैं बी डी निकालू, कितना निकालू बी डी, तो कितना मिलेगा मेरे को ए माइनस बी के बराबर। बी डी निकालू तो कितना मिलेगा मेरे को ए माइनस बी के बराबर। अब मैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे का सेम आंसर आता है। तो ये अपन ने पढ़ा भी था कि जो डायगनल्स का प्रोडक्ट है उनके स्क्वायर के सॉरी पैरेललोग्राम के साइड के मल्टीपल के बराबर आता है। तो ए सी इंटू बी डी इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए डी। वेक्टर लगा मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अभी इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक वेक्टर के लिए प्रूव करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है भी, देखो इसके जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसका एक क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं कि एक पैरेललोग्राम होता है उसके डायगनल्स का जो मल्टीपल है वो उसके साइड्स के मल्टीपल के बराबर आता है। तो अपन ने एक साइड को ले लिया ए वेक्टर, दूसरी साइड को ले लिया बी वेक्टर। तो ए सी डायगनल आ गया ए प्लस बी, बी डी डायगनल आ गया ए माइनस बी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वो जो आपके पैरेललोग्राम के साइड के मल्टीपल के बराबर आ जाए। फॉर एनी वेक्टर ए, ये प्रूव करके बताना। नाइन्थ, ए वेक्टर के लिए क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या है, ए वेक्टर इंटू आई कैप का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर इंटू जे कैप का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर इंटू के कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू आना चाहिए ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन ए वेक्टर इंटू आई कैप का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर इंटू आई कैप का स्क्वायर, ए वेक्टर इंटू आई कैप का स्क्वायर कितना मिलेगा, ए वेक्टर इंटू आई कैप इंटू ए वेक्टर इंटू आई कैप, यही मिलेगा, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस ए वन आई कैप का स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर माइनस ए जे स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर मिल जाएगा, या यहाँ पे अपन ए वन स्क्वायर ले लें, यहाँ पे क्या ले लें ए टू स्क्वायर, एंड ए वेक्टर इंटू के कैप का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब का स्क्वायर। ए वेक्टर आपके पास में ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, फॉर्मूला में वैल्यू रखो नाउ। सो कितना हो गया, ए वेक्टर स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए वेक्टर स्क्वायर, ए वेक्टर स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर प्लस ए वेक्टर स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर। ए स्क्वायर कितने हो गए, थ्री ए स्क्वायर हो गए कि नहीं हो गए, माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके, ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो कितना गया थ्री ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा टू ए। कुछ नहीं करना, एक वेक्टर ए वेक्टर मानो ए आई कैप प्लस ए टू ए वन आई कैप ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप के बराबर। सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। आप डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करें तो उससे सोल्व कर लो, नहीं डायरेक्ट सोल्व कर लो, ठीक है ना। एक बार इसको इससे इसको इससे, ऐसे ही जे से करेंगे ये वैल्यू और कैसे करेंगे ये वैल्यू, क्वेश्चन में जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था वहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दो आइडिया साइड एंड ट्राइंगल्स के, तो बोला है कि ट्राइंगल का एरिया निकालो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों वैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है और उसके आगे लग जाएगा हाफ, क्या लग जाएगा आपके पास में, हाफ लग जाएगा। तो देखो क्या दिया आपको टेंथ क्वेश्चन में, टेंथ क्वेश्चन दिया आपको दो एडजेसेंट साइड दी हुई है, ए वेक्टर कितना दिया आपको आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, एंड बी वेक्टर दिया आपको थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। एरिया ऑफ ट्राइंगल
इक्वल्स टू आएगा 1/2 ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और फिर इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ए क्रॉस बी मैंने निकालना सिखाया आपको, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट तो क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, आई कैप, जे कैप और के कैप, 1, 2, 2, 3 माइनस 2 एंड 1। सोल्व करो इसको, आई कैप 2+4 माइनस जे कैप 1-6 प्लस के कैप -2 -6 -2 -6, तो कितना आ गया आपके पास में, 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप -8 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस भी निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना मिलेगा, √5 स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना था, 36 प्लस 25 प्लस 64, तो कितना आ गया 100, 125। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 125 को लिख सकते हैं 5√5। सो एरिया विल बी, एरिया क्या है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ 5/2 यूनिट, ठीक है। एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कमेंट करो।